मैंने अनिस्का फ्रॉम अनाइसा के बारे में इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? आखिर क्यों? अब चैनल होगा बंद। हे एवरीवन, मैं चुमकी शर्मा सीएस के स्टाइल पे आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। गाइस, मैं आपके सवाल के जवाब जरूर दूंगी, बट उससे पहले मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहती हूँ, कुछ बात कहना चाहती हूँ। मैं एक यूट्यूबर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ। मुझे पता है मेरे वीडियोस हजारों लोग देखेगा, कुछ कुछ वीडियोस तो लाखों लोगों तक पहुँचता है। तो आप मुझे एक जवाब दे दो, मेरे वीडियोस हजारों लोग देखेगा, लाखों लोग देखेगा, ये जानते हुए भी क्या मैं गलत वीडियो बना सकती हूँ? क्या मैं झूठ बोल सकती हूँ? यार, हम इतना भी बेवकूफ नहीं है, कुछ सोच समझ कर ही हम वीडियोस बनाते हैं। सॉरी फॉर माई हिंदी। हाँ, तो हम बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, उसके बाद जाकर एक वीडियो बनाते हैं। वैसे तो मुझे हेट कॉमेंट आता नहीं है, अगर मान लो 10 कॉमेंट आया तो उनमें से एक भी कॉमेंट हेट नहीं होता है, और अगर 100 कमेंट आया तो उनमें से एक या दो ही कमेंट ऐसा होता है, मतलब हेट कमेंट होता है। आप मेरा यकीन मानिए, मुझे थोड़ा भी बुरा नहीं लगता है हेट कमेंट से, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है हेट कमेंट से, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। वीडियो पब्लिश करने से पहले मैं कई बार वीडियोस देखती हूँ, इवन मैं अपने हस्बैंड को भी वीडियोस दिखाती हूँ, उसके बाद जाकर वीडियो पब्लिश करती हूँ, फिर जाके आप लोग देखते हो। जो एक आध हेट कमेंट आता है उनमें भी मुझे पॉजिटिविटी दिखाई देता है, उनमें से भी मैं कुछ पॉजिटिविटी लेने की कोशिश करती हूँ, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। और ये सब मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि उस वीडियो पर आप लोग बिना कुछ जाने समझे ऐसे वैसे कॉमेंट कर रहे हैं। उस वीडियो पर करीब अब 600 प्लस कॉमेंट है, उनमें से 580 लोगों को ही सच्चाई पता नहीं है इसके बारे में, बाकी 20-25 लोगों को सच्चाई पता है। और ये जो 20-25 लोगों को सच्चाई पता है, वो लोग उन लोगों को जाकर रिप्लाई कर रहा है कि हाँ ये सच है, अनिस्का लेफ्ट अनाइसा। पर खैर, आप लोगों से ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि हमने अनिस्का का वीडियो देखा था, उनमें उन्होंने कहा है, अनिस्का ने कहा है, सी डिडंट लिव अनाइसा। तो यार, वो जो वीडियो आप लोगों ने देखा था वो पहला का वीडियो है, यानी एक और दो महीने पहले का। बट अनाइसा वालों ने खुद कहा है ये बात कि सी लेफ्ट अनाइसा, डायरेक्टर ने खुद ये बात कहा है। वो वीडियो आप लोगों ने देखा नहीं है शायद, इसीलिए आप लोगों को इतना कंफ्यूजन हो रहा है। अनिस्का का खुद का एक चैनल है, शायद इसीलिए फिलहाल वो अनाइसा पर नहीं है, और ये भी हो सकता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसके लिए भी शायद उनको प्रॉब्लम हो रहा है अनाइसा ज्वाइन करने में। उम्मीद करती हूँ कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये वायरस वायरस ठीक हो जाएगा, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, पूरे हम सेफ हो जाएंगे, तब फिर से ज्वाइन कर लेगा। आगे पता नहीं है मुझे, बस उम्मीद कर रही हूँ मैं। फिलहाल वो अनाइसा पर नहीं है, ये सच बात है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। हो, अब सारी बात क्लियर हो चुका है। तो फ्रेंड्स, वीडियो एंड करने से पहले एक और बात कहना चाहूँगी, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो मैं आपको बता दूँ, मेरे चैनल पे हस्बैंड वाइफ फनी चैलेंजेस, ईटिंग चैलेंज, हेयर केयर, ब्यूटी टिप्स एंड माय रियल लाइफ व्लॉग्स शेयर करती हूँ, एंड शॉपिंग हॉल शेयर करती हूँ, साथ में प्रोडक्ट रिव्यू भी करती हूँ। अगर आप देखना चाहते हो, मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो, आगे भी मेरा वीडियोस देखना चाहते हो, तो ही जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। या मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।